गंजाम जिलार 13टी विधानसभा आसन मध्यरु चिकिटी निर्वाचन मंडली बीजेडी रो पुरुणा गड़ रूपे बेस परिचित एठी बीजेडी एवं कांग्रेस मध्यरे लढै होइ आसुथिले बि एबे किंतु दृश्यपट बदली जायछि। एठारु चिंतामणि ध्यान सामंतरा 3 थर ओ चिकिटी राणी उषा देवी 6 थर निर्वाचित होइछन्ती। एणु एही आसनकु बीजेडी रो गड़ सह राजपरिवार रो दुर्ग बुली कहा जाय। आगामी निर्वाचन रे बीजेडी बीजेपी ओ कांग्रेस मध्यरे हेबो त्रिमुखी लढै। चिकिटी राजनीति कहिले दुई परिवार को बुझाई थाए, एटी निर्वाचनी लड़े कहिले राणी और मणिक मध्य बुझाई थाए। हेले परिस्थिति बदलवास राजनैतिक पाणीपाग बदली जाए। विगत दुईटी निर्वाचन रे मणि मैदान रु अपसरी जापटे राणी रथ आगको माड़ी माड़ी चली। तेबे आगामी 2024 निर्वाचन रे कौन हेबो आसंतु देखिवा। चिकिटी निर्वाचन मंडली एठी आरंभरु बीजेडी सपक्षरे हवा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित ताला दे गोटे परे गोटे इनिंग्स जीति आसुछंती ए गडर विधायक। ससुर राजनीति रे थिले मध्य स्वामी अमंग हेबारु बीजू बाबूंक आह्वान रे 1985 मसीह रे राजनीति रे पाद थापिथिले चिकिटीगड़ राजपरिवार रो बहु श्रीमती उषा देवी। हेले सेतेबेले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हत्या को नहीं समग्र देश में कांग्रेस सपक्ष में अनुकंपा हवा प्रवाहित होता आहाक चिकिटे प्रतिहत कर उषा देवी जनता दल रथ। एणु सेठारु द्वितीय थरपाई पुणि थे बाजी मारने कांग्रेस टिकेट रु लड़ी चिंतामणि दान सामंतरा कितु 1990 बदली गला चित्र। निर्वाचन मैदान को द्वितीय थर एंट्री मारे उषा देवी लोकों हृदय जिणी विजय मुकुट पिंधिले। पूर्व दुई थर विजयर स्वाद चाखिता कांग्रेस पुरुखा नेता चिंतामणि को निर्वाचन मैदान में चिटपटांग चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिले उषा देवी। बासेबे ठारु राणी और मणि लड़े तीव्र रूप नेला चिकिटीगढ़। पूर्व 1980 मसीह स्वाधीन भाव 1985 मसीह कांग्रेस टिकेट रे जीति चिंतामणि पुणि थे स्वाधीन भाव 1995 मसीह मैदान को ओह्लैले चिकिटीगढ़। उषा देवी को हर चिंतामणि परवर्ती समय विधानसभा बाचस्पति हेले 2000 मसीहार रथ आग को बढ़ला ना। नुआ दल बीजेडी और नुआ नेता नवीन पटनायक आगे पूरा ओडिशा रे कांग्रेस फेल मारा आउ तार प्रतिफलन घटी चिकिटी निर्वाचन मंडली रे। लगातार 3 निर्वाचन रे चिंतामणि विजय रथ जाम होगला आपटे राणी रथ द्रुत गति आग को माड़ चलला। 2009 मसीह उषा देवी को 55,099 खंड भोट मिलता बेले चिंतामणि को मिले 40,870 खंड भोट। 14,229 भोट्रे विजयी होते उषा देवी। तेरे बीजेपी कान्हुचरण पति को मिलता मात्र 3,580 खंड भोट। 2014 निर्वाचन में उषा देवी विपक्ष में चिंतामणि निज पुओ मनोरंजन को कांग्रेस छेड़ा करते एथर मध्य कांग्रेस बाट उगा उभय नवीन उषा देवी मैजिक। उषा देवी को 74,849 खंड भोट मिलता बेले मनोरंजन को मिलता 42,701 खंड भोट। 32,178 खंड भोट्रे विजयी होते उषा देवी। प्रतिजोगितार मानचित्र एक प्रकार बात पड़ता बीजेपी को मिलता 4,590 खंड भोट। तेरे बीजेडी लगातार विजय पर उषा देवी को चेक देवाई गत 2019 निर्वाचन में मनोरंजन बीजेपी और सुभाष राउत कांग्रेस लड़ी हेले पुणि थे बीजेडी गोटी चलन आगे भूल होगला दुई दल गणित। बीजेडी को 73,353 बीजेपी को 52,718 एवं कांग्रेस को 3,747 खंड भोट मिलला। उषा देवी षष्ठ थर पर निर्वाचित हेले। एबे चिकिटे कांग्रेस संगठन नथिबा बेले बीजेपी संगठन पात्रपुर ब्लॉक मधरे सीमित हो रही जाइछि। ए सबु भितरे पर्यवेक्षक रूपे दायित्व मुंडाइथिबा राज्यसभा सांसद मानस मंगराज को चिकिटी गस्त बीजेडी कर्मी और नेता बेस उत्साहित करुछि। अन्य निर्वाचन मंडली तुलनारे एठी कर्मी माने बेस श्रृंखलित कहा मधरे मतांतर नाही। तेणु आगामी निर्वाचन में बीजेडी रथ आहुरी द्रुतगति आग को माड़ी बोली आशा करा जाउछि। आप देखिथे कर्मी माने अमर बहुत उत्साहित अच्छा ए खरारे समग्र निर्वाचन मंडल सब कर्मी माने कर्मकर्ता कर्मी निर्वाचित प्रतिनिधि समस्त उपस्थित थे। सहित आम जिलार समस्त नेतृबृंद उपस्थित थे।
आगामी यहाँ हूँ इलेक्शन वर्ष निर्वाचन वर्ष से आम आप जानते सब प्रस्तुति बीजेडी आगुआ थाए तेणु यहाँ प्रस्तुति पर्व कह अत्युक्ति हम ना समस्त एकाठी करवा और नवीन पट्टनायक सरकार जहाँ उन्नतिमूलक कार्य अच्छी कमी जनसाधारण निकट में आहरी पहुँचवा सीटा हूँ प्रथम कर्तव्य देखूँ मतांतर मनातर ये किसी ना कि समस्त आह्वान जदि भी किसी घर भितर कुछ कौटी अच्छी से सब से तार समाधान कर दायित्व हूँ मोर और तार करी यहाँ हूँ बीजेडी गड़ तेना पला भारी नुहे ये गड़ कह अत्युक्ति हेनी मैडम तो माँ तो सिक्स टर्म है एबे भी सेवेन्थ टर्म पे आम चेष्टा करूँ कमी भल रे नवीन बाबू को आउ थे हाथ मुठा टाण कर भल कि जिते बोली चेष्टा करमान तो एबे पार्टी गोटे कर्मी कर्मी मान काम करमी नवीन पट्टनायक हाथ मुठा टाण करने चेष्टा कर मोर तो सेमती किसी एवं आशा ही ना जहाँ माँ आ नवीन बाबू डिसाइड करिवे सेटा ही मोर आशीर्वाद 1977 मसारे चिकिटी पाई अनुष्ठित प्रथम निर्वाचन रे जेएनपी प्रार्थी जगन्नाथ पति निर्वाचित होइथिले तेबे 1980 मसिया थारु 2019 मधरे अनुष्ठित 9टी निर्वाचन रे चिंतामणि दान सामंतरा 3 थरो ओसादेवी 6 थरो जितिछंती सेपरि गत पर निर्वाचन रे चिकिटी एनएस अध्यक्ष पदवी पुनि थरे दखल करिबारे बीजेडी समर्थ होइछि तबे गत पर निर्वाचन में कांग्रेस मूलपोच हो जाता बेले बीजेपी पात्रपुर ब्लॉक अध्यक्ष पदवी हाथेबारे सक्षम होनेपटे बीजेडी चिकिटी ब्लॉक अध्यक्ष पदवी पाइबा सहित सर्वाधिक सरपंच जिला परिषद आसन निज खाता को नहीं 2024 साधारण निर्वाचन दल नेता हाथ में खूब कम समय एणु निज निजर रणकौशल निर्वाचन बैतरणी पार होगापी समस्त लागि पड़िछन्ति 2014 तुलन 2019 बीजेपी भोट आर बढ़ी चिंतामणि पर दायित्व विजयर स्वाद चाखापी अंटा भिड़ी पुणि थे टिकेट मिलवा नहीं एपर्तंत कौन प्रतिश्रुति मिलना अनेपटे 2014 मसीह बीजेपी टिकेट रू लड़ी उदय प्रधान ने बीजेडी शिविर सेपटे देखा गले बीजेडी टिकेट पर चिकिटी राजपरिवार को छाड़देले अन्न के दावीदार ना एणु एवं राणी निजर एकमात्र पु श्रीरूप देव को टिकेट देवाई कहीपारती चर्चा होने राणी मुह खोली नाते आकलन कहूँ बीजेडी टिकेट्रे माँ लड़ू कि पु लड़ू किंतु बीजेडी विजय शत प्रतिशत सुनिश्चित सेपटे गत थर कांग्रेस टिकेट्रु निर्वाचन लड़ा सुभाष राउत निज दल दुर्बल संगठन को नहीं क्षोभ प्रकाश करने सहित एटी लड़ी दुई पर तार हिसाब तो देखिपाने बहुत गुड़े काम कराई जेतक पर्सनल कम कराई जहाँ सब समस्त ये इच्छा हिसाब से कम हो पीवा पानी टू नहीं करी रोड टू नहीं करी तापर अनेक काम ये प्रकार पार्कस सब होते आम हेल्थ डिपार्टमेंट रो भी बहुत गुड़े एक्सटेंशन कम हो ये एक्सरे मशीन नहीं कि बहुत तार बहुत किसी कम हो सांगे कॉलेज स्कूल्स ये गुड़ाक भी विकास सब प्रकार जहाँ गवर्नमेंट रो पीडीएस कहते सब प्रकार जहाँ फैसिलिटीज गवर्नमेंट रो स्कीम्स दे सब जाक ये कार्यकारी मु प्रतिश्रुति विश्वास कैनि कहीं आम भी जो प्रतिश्रुति देवा बेले बेले नई पारे फाइनान्स कि कौतपाई भी तेणुक प्रतिश्रुति देखिए लोक से कहीं अनैबे तो मु भावे कहीं प्रतिश्रुति देवी कि जिते जाने जे यहाँ चाहूँ जो सुविधा पाइबी से करदेवि बर्तमान आम देखुचे सब दृष्टिकोण चिकिटी निर्वाचन मंडल एबि बीजेडी गड़ रही एबि बीजेडी दबदबा रही तो 2024 कौन चिंता कर 2024 भी बीजेडी ही जितियो कैंडिडेट बीजेडी जितियो सेटा सुनिश्चित तो आगामी 24 निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी चिकिटी रे भल कर कहीं जिते बड़े एलायंस भांगा 2009 मुझे प्रार्थी होती ता पूर्व मोर बड़ भाई जगन्नाथ पति जी कि 77-80 मसीहा पर्यंत जनता दल विधायक थे सी फाउंडेशन आमर से पकईते ईर अण कांग्रेस दल आज जो आज परिस्थिति तो आहुरी भिन्न निश्चित भाव भारतीय जनता पार्टी अभिवृद्धि
ଯଦି ଯାହାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଯାହାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେ ସେଠି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବ। କଂଗ୍ରେସ ତ କେବେ ଜିତିନି ଏଇଠି, କେବଳ 85 ଥରେ ଜିତିଛି କଂଗ୍ରେସ ଏଇଠି। 1980 ମସିହାରୁ ପୋଷ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଥରେ ଜିତିଛି। ସ୍ଥିତି ମାନେ ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ମୁଁ ଥିଲି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ 400-500-700 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଯାଇକିରି ବସିଥାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 250,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିକିଟି ଏନ୍ଏସି ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଓ ଚିକିଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଗୋଟିଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ରହିଥିବାରୁ ଏଠାରେ କିଛି ଆଦିବାସୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦୀ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ସେପଟେ ଅନେକ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ମାଟି ମାଆଙ୍କୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ଏଣୁ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଠି ଥିବା ସୋନପୁର ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସହିତ ବାହୁଦା ନଦୀ ଉପରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ବର୍ଷ ତମାମ ଲାଗିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ, କୋଠଘର, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ପାର୍କ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁ ସେତୁ, ରାସ୍ତା ନାଳ ଆଦି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରାମିଆପାଟନାଠାରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବନ୍ଧ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ନୂଆପଡ଼ା ତିନିଘରିଆ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ବାଳକୁମାରୀ ଶକ୍ତିପୀଠର ବିକାଶ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସହିତ ସରଳ ପିତାତଳି, ଚିକିଟି ଦିଗପହଣ୍ଡି, ସୁରଙ୍ଗୀ ଖାରିଆଗୁଡ଼ା, କେଳୁଆ ସାମନ୍ତାପଲ୍ଲୀ ଆଦି ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ କାମ କରିଚାଲିଥିବାରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି। ଉଷା ଦେବୀ 6 ଥର ବିଧାୟିକା ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଠାରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ଥିବାରୁ ବିଜେଡି ଜିତିବ ଓ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚିକିଟିରେ କେବଳ ଯଦି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ହେବ। କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିଟିରେ ବିଜେଡି ଦବଦବା ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଣିପାଗ ରହିବ। କୁହାଯାଏ ରାଜନୀତିରେ ଘଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର କଥା କାଲିକି ନଥାଏ। ଚିକିଟିରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେଡ଼ିର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି ଆଉ ରାଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ମଙ୍ଗ ମା ଧରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଅ ଧରୁଛନ୍ତି। ଚିକିଟିରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଡାକୁଆ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।